गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? वेरी गुड। आज हम EVS का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है प्लांट लाइफ। अब प्लांट मीन्स क्या होता है? पौधे। और लाइफ मीन्स जीवन, पौधों का जीवन। ओके, लर्निंग पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब पौधे कितने प्रकार के होते हैं और पौधों के क्या क्या भाग होते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट अवर लेसन। Plants are living things like us. We find many plants around us. They are in different shape and size. अब पौधे क्या होते हैं? सजीव होते हैं, हमारी तरह वह भी जीवित होते हैं। आपने अपने आसपास कई तरह के पौधे देखे होंगे, बहुत तरह के साइज देखे होंगे, है ना? टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब कितने प्रकार के होते हैं पौधे ये बता रहे हैं हम आपको। ट्रीज आर बिग प्लांट, दे हैव अ थिक स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल द ट्रंक, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सम ट्रीज लाइक द कोकोनट एंड द पाम डू नॉट हैव ब्रांचेस। क्या होता है, कुछ पौधे क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, बड़े होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। ओके, और ये पौधे कैसे होते हैं? जो पेड़ बन जाते हैं बड़े, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना? वो काफ़ी समय तक रहते हैं जीवित, उनका जीवन बहुत लंबा होता है। और वो फूल पत्तियाँ हमें बहुत सारे तरह के फ्लावर्स ये देते हैं। और कुछ कैसे होते हैं जिनमें ब्रांचेस मतलब इतनी ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, लेकिन जैसे नारियल के पेड़, है ना, कितना लंबा सा रहता है, लेकिन इसमें फ्रूट्स बराबर रहते हैं। ओके, शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, दे आर आल्सो कॉल्ड बसेस, दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम विथ मैनी ब्रांचेस अरिसिंग फ्रॉम वन सेंटर, हेबिकस, कॉटन एंड रोज प्लांट्स आर शर्ब। अब कुछ पौधे कैसे होते हैं? झाड़ियों वाले होते हैं, है ना? जैसे कौन कौन से होते हैं? गुलाब के पौधे होते हैं ना, जैसे कपास के पौधे, ये कैसे होते हैं? झाड़ी वाले पौधे होते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, प्लांट्स ऑफ ऑल सीरियल्स आर पजल्स आर हर्ब्स। अब हर्ब्स मीन्स क्या होता है? जड़ी बूटियाँ। कुछ पौधे क्या होते हैं? जड़ी बूटियों के काम आते हैं, जैसे पुदीना, तुलसी, ये सब कैसे पौधे होते हैं? किस काम में आते हैं? हमारे जड़ी बूटियों के काम आते हैं। और इनके पत्ते कैसे होते हैं? बहुत नाजुक और हरे होते हैं, बिल्कुल कोमल, और यह कुछ समय तक ही रहते हैं, पौधे जल्दी से ये मुरझा जाते हैं। क्लिम्बर्स हैव वीक स्टेम, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, दे क्लिम ऑन सपोर्ट लाइक अ वॉल पोल और अनादर प्लांट। अब कुछ पौधे कैसे होते हैं? बेल की तरह होते हैं, बिना किसी सपोर्ट के, कोई बांस, कोई डंडा होता है उससे ही वह खड़े होते हैं, उससे ही वह चलते हैं। प्लांट्स ऑफ बॉटल गर्ड पा ग्रेपवाइन आर अ फाइन क्लिम्बर्स। अब आता है क्रीपर्स आर आल्सो वीक स्टेम प्लांट, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, दे यूजली हैव बिग फ्रूट्स, प्लांट्स ऑफ पम्पकिन, मस्क मिलन एंड वाटर मिलन आर सम क्रीपर्स। अब क्या होता है, कुछ पौधे कैसे होते हैं? लता में होते हैं, बेल टाइप होते हैं, लेकिन उन्हें फ्रूट्स कैसे आते हैं? बहुत बड़े बड़े, जैसे आपने देखा है, जैसे तरबूज है, खरबूज है और कद्दू है, पम्पकिन मीन्स कद्दू, वाटर प्लांट। अब कुछ पौधे कैसे होते हैं? पानी के होते हैं, वाटर प्लांट्स मीन्स पानी के पौधे। प्लांट्स लाइक द लोटस एंड वाटर लिली ग्रो इन वाटर, दे हैव बिग लीव्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, वाटर प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन शोलो लेक एंड पॉन्ड्स। अब कुछ पौधे कैसे होते हैं? कुछ फ्लावर्स देखिए, आपने कमल के फूल देखे होंगे, है ना, वाटर लिली देखा है, इनके पत्ते कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, और ये किसी तालाब और इनमें नदियों में रहते हैं। नेक्स्ट आता है कैक्टस, प्लांट्स लाइक द कैक्टस ग्रो इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स लाइक डिजर्ट फेयर, देयर इज वेरी लेस वाटर, दे हैव थॉर्न्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ पौधे कैसे होते हैं? कांटों वाले होते हैं, यहाँ रेगिस्तान वाले इलाकों में या सूखी जगह पर, ऐसे जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वहाँ पर भी ये पनप जाते हैं। और इन्हें पेड़, इन पौधों को क्या, जानवर भी नहीं खाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हमारे प्लांट में कितने भाग होते हैं ये हम आपको बताएंगे। द रूट्स ग्रो बिलो द सॉइल, दे होल्ड द प्लांट स्टडी टू द ग्राउंड, दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिट फ्रॉम द सॉइल, दे आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। अब रूट्स में क्या होता है, देखो आप पिक्चर में जड़े, है ना, जड़ें कहाँ होती हैं? मिट्टी में होती है, जिससे ये पानी और खाना सब इनको जाता है, जिससे ये पौधा पनपता है। द स्टेम, स्टेम मीन्स क्या होता है, अब ये तना, ग्रो अबाउ द सॉइल, इट
help the plant of stand straight. It bears leaves, flowers and fruits. It carries water and nutrients to different part of the plants. अब ये स्टेम क्या होता है? ये सीधे तना खड़ा होने में इसकी मदद करता है, जिनके सहायता से फल फूल पत्तियाँ ये सब लग पाते हैं. नेक्स्ट आता है लीव्स. लीव्स मीन्स पत्तियाँ. आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अब पत्तियाँ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट का. ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. यह एयर और वाटर, सनलाइट, यह सब पत्तियाँ लेती हैं. फ्लावर्स आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब फ्लावर क्या होते हैं? कलरफुल इस पार्ट का क्या हिस्सा होता है? कलरफुल हिस्सा होता है ना. दे प्रोड्यूस सीड दैट ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट. सम फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल टू. अब कुछ फूल कैसे होते हैं? खुशबू वाले होते हैं. और कुछ में बीज लगते हैं जिससे फिर से नए पौधे बन जाते हैं. नेक्स्ट आता है फ्रूट्स. फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स. सम फ्रूट्स आर फ्रेशली एंड जूसी. दे प्रोटेक्ट द डेवलपिंग सीड्स. अब कुछ पौधे क्या होते हैं, जिनमें फलों में क्या होते हैं? फ्रूट से जूस बनते हैं, है ना. और वह कैसे करते हैं? लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. दे मेक फूड फॉर प्लांट. दिस फूड इज स्टोरेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट के कुछ पार्ट्स को क्या करते हैं? संग्रहित भी कर सकते हैं. ओके, समझ आया आपको पूरा लेसन? वेरी गुड, थैंक यू.